हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी प्रियंका। और आज का जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ बहुत अच्छा एक फेस मास्क है जो मैं अभी कुछ दिनों से ट्राई कर रही हूँ और मुझे उसका रिजल्ट से मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। तो इस वीडियो में आज मैं इस फेस मास्क के बारे में डिटेल एंड डेमो रिव्यू आपको शेयर करेंगे एंड विथ अ डेमो, बिकॉज मुझे बिलीव बहुत सारे मैं वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ तो मुझे लोग कहते हैं कि आप लगा कर दिखाओ, आप करके दिखाओ। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं अगर कोई वीडियोस बनाऊंगी तो मैं उसका डिटेल एंड डेमो के साथ बनाऊंगी, बिकॉज अगर मैं खुद पर अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगी तो लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि अच्छा हाँ ये इफेक्ट किया या ये अच्छा है या नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम एक बहुत मेरे मोस्ट फेवरेट फेस मास्क के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इट। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ चौथ है नागसन की डेड सी मास्क की, मड मास्क, जो कि मैंने इतने सारे यूज किए मास्क की, सैंडलवुड के, नीम के, तुलसी के, चंदन के, बट मैंने मड मास्क कभी यूज नहीं किया। तो मैंने मेरे पास रिसीव हुआ है ये चौथ है नागसन की तरफ से ये बॉक्स, तो मैंने अपनी अभी ट्राई करना शुरू किया। तो मैं यहाँ आज बात कर रही हूँ चौक एंड नागसन की डेड सी मड मास्क की। जी हाँ, मैंने मड मास्क कभी नहीं यूज़ किया। सबसे पहली बात तो ये, मैंने मड मास्क कभी ट्राई नहीं किया या उसके फेस वॉश कभी ट्राई नहीं किए। तो मैंने इसको पढ़ा तो पहले ही मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि ओ मड मास्क, ठीक है, और भी डेड सी, बिकॉज सी में हमारे इतने सारे मिनरल्स, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और उसके थ्रू ही हमें मेडिसिन, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो पहले ही मेरे दिमाग में क्लिक कर गया जब मैं ऐसे रैंडम एक दिन अमेज़ॉन ऐसे सर्च करी थी, अच्छा और कुछ न्यू देखते हैं, बिकॉज मेरे फेस पैक ख़त्म हो गए थे आपके साथ। तो फेस मास्क, क्योंकि मैं बहुत सारा ट्राई करी थी, जैसे सैंडलवुड का, नीम का, एंड DIYs भी ट्राई करी थी, एवे यूथ का पील ऑफ फेस मास्क यूज़ कर रही थी, जो भी कर रही थी। आपने मेरी वीडियोज़ देखी होगी, नहीं देखा तो लिंक आई बटन मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। तो मैंने बहुत सारे ये ट्राई किए, तो मेरे नज़र में ये पड़ा मड मास्क, तो मैं थोड़ा इम्प्रेस हुई। मैं बोली मड मास्क ओके, मैं देखती हूँ। तो मैंने इसको फिर वहाँ से मंगाया अमेज़ॉन के थ्रू, एंड ये मेरे पास बॉक्स में रिसीव हुआ। तो फिर मैंने जब इसको ओपन किया, इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी अमेज़ॉन ने मुझे करके भेजी, मैं क्वाइट इम्प्रेस हुई। तो ये कुछ ऐसे छोटी से पैकेजिंग में मास्क एम करके मेंशन किया, तो ये मुझे क्वाइट इम्प्रेसिव लगा। तो ये फेस मास्क, ये कुछ ऐसा दिखता है, मैं आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ। ये कुछ ऐसा दिखता है डेड सी मड मास्क, एंड ये ऊपर भी मेंशन है। तो जब मैंने इसको ट्राई किया फर्स्ट डे, तो मुझे लगा कि ओके मैं देखती हूँ कि, बिकॉज मुझे लगता नहीं बहुत सारे मास्क या बहुत सारी फेस पैक्स बहुत इफेक्ट करते हैं, लगता है हाँ चलो ठीक है क्लिनजिंग तो सब करता है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि अच्छा इससे क्लिनजिंग नहीं है उससे क्लिनजिंग, बिकॉज मैं पोर्स को क्लीन तो करते, बट एक इंस्टेंट सा ग्लो, एक नेचुरल सा ग्लो आना मुश्किल होता है। और मैं बहुत सारे ऐसे केमिकल्स और कॉस्मेटिक्स और ये सारी चीज़ें इधर उधर ट्राई करती रहती, कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। तो मुझे अब कुछ नेचुरल सा चाहिए था, कुछ हर्बल सा ऐसा चाहिए था जो मुझे मिले और मेरी स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट दे और मेरी स्किन को थोड़ा सा टेक्सचर अच्छा करे, बिकॉज आई हैव एक्नेस, आप देख सकते हो स्कार्स भी हैं, एंड रह रहे मुझे आई हैव डार्क सर्कल ऑल्सो, और हर एक मुझे थोड़ा सन टैनिंग की भी इशू होता है, बिकॉज मैं ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा करती हूँ होल डे और आना जाना। तो मुझे लग रहा था कुछ हर्बल सा कुछ मैं अपने फेस को दूँ, कुछ 100% नेचुरल विदाउट केमिकल्स, बिकॉज मुझे लगता नहीं कि केमिकल्स यूज़ करने से कुछ हमारे स्किन को फ़ायदा होने वाला, बस इंस्टेंट सा एक ग्लो आ जाएगा, हाँ चलो अच्छा ठीक है हम अच्छे दिख रहे हैं या मेरा फेस अच्छा हो गया, बट वो अंदर से हेल्दी नहीं होता आपका फेस। तो आपको हमेशा, आप जाओ किसी भी चीज़ के लिए तो आपको मेक श्योर करना है कि आप आयुर्वेदिक की तरफ जाओ, आप 100% नेचुरल चीज़ों की तरफ जाओ जिसमें केमिकल्स ना हो, पैराबेंस ना हो, सल्फेट, मिनरल ऑयल, डाइज, ये सब चीज़ें ना हो, बिकॉज वो आपके स्किन को हार्म करती, कहीं का कोई बेनिफिट नहीं दे रही, खाली कहने की बात है ओ मैंने लगाया और मेरी स्किन ऐसी हो गई, वाओ सो इम्प्रेसिव, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ ऐसे फिलोसफिकल बातें हैं, इनका कोई रियल लाइफ से मतलब नहीं है, वो कुछ दिन की रहता है उसके बाद फिर आपका फेस, आपको फिर मेरा फिर डैमेज होने लगा, क्यों ऐसे होने लगा तो आपको खुद समझ में आएगा, अच्छा मैंने इतने अच्छे ब्रांड की इतनी अच्छी चीज़ें यूज की फिर भी नहीं अच्छा हुआ। तो इसका सॉल्यूशन इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप हर्बल की तरफ जाओ, नेचुरल की तरफ जाओ। तो मैं यहाँ इस डेड सी फेस मास्क की बात करी थी, मड मास्क, फिर मैं मेंशन कर दूँ मड मास्क, बिकॉज इसका क्लीन ग्रेड नहीं है डेड सी मड मास्क।
तो ये आता है, इसकी एमआरपी मैं बता देती हूँ, इसकी एमआरपी है 699 रुपीज, बट मैंने इसको अमेजोन से परचेज किया तो मुझे 499 रुपीज का मिल गया, जो कि क्वाइट डिफरेंस है, 200 रुपये का मिल गया ऑफ मुझे। और अगर अमेजोन पर भी कुछ ऑफर चल रहे हो तो आपको और सस्ता मिल जाएगा, तो ये अच्छी बात है कि आपको सस्ता भी मिल जा रहा है और अच्छी चीज़, ऐसी चीज़ जो आपको फायदा करेगी बहुत ज़्यादा। इसकी क्वांटिटी 125 ग्राम्स है, तो ये काफ़ी दिन चलने वाला है, ऐसा नहीं कि छोटा सा ही आप इसका दे सकते हो, अच्छा खासा क्वांटिटी है इसमें। तो मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। सबसे अच्छी बात इसके सेपरेटर के साथ आता है, तो ये एक अच्छी, बिकॉज मास्क हमारे ऐसे होते हैं जो सूख जाते हैं रखे रखे, तो उसमें पानी डालो, रोज वाटर डालो, तो वो थोड़ा सा मैसी होने लगता है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये सेपरेटर आता है, वो भी एकदम अच्छी टाइट पैकेजिंग में। और आप एज यू कैन सी, मैंने इसको इतना यूज़ कर लिया है, मैं बिना इस्तेमाल किए आपको रिव्यू कैसे कर सकती हूँ। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, अच्छा आज मुझे, मैंने लिया कुछ, ठीक है इसका वीडियो बना देते हैं। नहीं यार, बिकॉज जब तक तो यूज़ नहीं करूँगा रिकमेंड कैसे, इसकी स्पेशलिटी मैं बताऊँगी कैसे सबसे बड़े। तो मैंने इसको इतना यूज़ कर लिया, तब मुझे लगा कि हाँ मैं, मुझे इसका वीडियो बनाना चाहिए, बिकॉज जो लोग एक अच्छा सा मास्क ढूंढ रहे हो, जिन जिन लोगों को स्किन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो और उनकी स्किन पर कुछ सूट भी ना करता, उसको वो भी जा सके, बिकॉज ये ऑल स्किन टाइप्स वालों के लिए है एंड इसके कोई भी ड्रॉबैक्स नहीं है, कोई भी की ऐसे नहीं लगाने वैसे नहीं लगाने। एंड इसके साथ अपनी स्किन केयर रूटीन जरूर फॉलो करो, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मस्त है। आप स्किन केयर रूटीन ही आप स्किप कर दो तो आपको इतनी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो इसको अगर आपको लगता है कि आप पर कुछ चीज़ें सूट नहीं करती हैं, या आपको ये चीज़ हो सकता है ना अच्छी अच्छा आए, आपके चेहरे पर इफेक्ट रहा है, हो सकता है रैशेज आए, तो आप 5 से 30 मिनट पहले आप अपने एल्बो पे लगा को छोड़ दो। अगर कोई रेडनेस या कोई पैचेस या किसी टाइप की इचिंग ना हो तो फिर आप इसको आराम से लगा सकते हो, बिकॉज पैचेस जरूरी, बहुत लोग स्किन बहुत सेंसिटिव होती है तो वो नहीं हो, फिर उनको लगेगा कि ओ मेरा चेहरा ख़राब हो गया, उससे अच्छा आप एक बार ट्राई कर लो पहले, नहीं तो तब आप लगाओ तो आपको एक सेटिस्फैक्टरी रहेगा कि हाँ चलो ठीक है, मैंने जो यूज़ किया वो चीज़ें ऐसी नहीं हो कि मैंने मंगाया भी और फिर मेरा चेहरा भी ख़राब हो गया। तो मैं इसकी बात करती, इसके इंग्रेडिएंट्स मैं बता देती हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सी से मिलती है, बिकॉज इस मेंशन कर रहा है सी से, और सी के में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं है बट हमारे लिए इतना बेनिफिट, एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, एज अ बॉटनी स्टूडेंट मुझे मालूम है, बिकॉज मेरा पूरा एक पेपर था एल्गी, और उसमें एल्गी पूरा सी एल्गी से भरा हुआ है, तो कितने सारे मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं उससे, आप खुद भी नहीं जानते। तो इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली, मैं आपको बता देते, जैसे इसमें जोजोबा ऑयल है, इसमें शिया बटर है, इसमें एलोवेरा है, इसमें तुलसी है, इसमें ग्रीन टी का भी एक्सट्रैक्ट है, इसमें सैंडलवुड ऑयल है, और इसमें इसमें एलोवेरा जेल है, एंड इसमें कॉर्नस्टार्च है, इसमें सी स्प्लिट है, एंड इसमें आलमंड ऑयल है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो भी हैं ये एकदम नेचुरल हर्बल्स है, इसमें कोई भी केमिकल्स तो दिख नहीं रहे, इसमें कहीं कुछ केमिकल मेंशन नहीं किया इसके बॉटल पे, तो ये अच्छी बात, बिकॉज लोग लिख देते हैं कि केमिकल फ्री, पैराबिन फ्री, नेचुरल, बट अंदर मिल जाते कुछ ना कुछ केमिकल, बट मुझे इसमें मिले नहीं। एंड इसके डायरेक्शन क्या है कि अप्लाई ए थिन लेयर ऑफ मड मास्क क्लीन स्किन और अपने आई एरिया एंड लिप एरिया पर अवॉइड करें, एंड इस मास्क को तब तक रखें जब तक ड्राई ना हो जाए, और इसको आप यूज़ कर, इसको कॉटन क्लॉथ के थ्रू निकाल सकते हो या फिर आप इसको वॉश कर सकते हो, और इसको कम से कम आप वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हो, और अपना मॉइस्चराइजर अच्छा वाला लगा सकते हो, ये मेंशन करता है। एंड इसकी सेल्फ लाइफ मैं बता देती हूँ कितनी है, आई थिंक सो 2 साल होगी, बट इस पर मुझे लग रहा है मेंशन नहीं किया इसकी शेल्फ लाइफ, लिखना पड़ेगा। हाँ, इसकी शेल्फ लाइफ 2 साल तक है, ये मैन्युफैक्चरिंग होगा जुलाई 2018 में एंड एक्सपायर होगा जून 2020 में, तो ये काफ़ी अच्छा खासा गैप है इसमें कि 2 साल तक की शेल्फ है, तो आराम से, क्योंकि फेस मास्क या ऐसी चीज़ें होती, हफ्ते में हम 2 बार लगा रहे हैं तो हमारा जल्दी इतना ख़त्म तो होता नहीं है, तो उसके लिए हमें ऐसा चाहिए कि अच्छा चलो ज़्यादा टाइम का रहेगा तो हम अच्छे से इसको यूज कर सकेंगे अच्छी तरीके से। तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूंगी, आप एक बार ट्राई करके देखो, आपको बहुत इंप्रेसिव लगेगा एंड बहुत पसंद भी आएगा। मैंने इस वीडियो के आगे मैं आपको डेमो भी दिखा दूंगी, नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर चेक कर देना, मैंने वहां पर भी अपडेट किया है इसके बारे में, तो आपको बहुत पसंद आएगा। एंड आपने फॉलो नहीं किया तो गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यूजर नेम आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, स्टार्टिंग की वीडियो में भी और यहाँ भी मैं इंसर्ट कर दूंगी। तो आगे इसका डेमो देखते हैं।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, एंड न्यू हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब मस्त है, बेल आइकन पर हिट कर देना, एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, न्यू ब्राइड के साथ शेयर कर सकते हो जिनको ऐसे मास्क की जरूरत हो या जिनको ऐसी चीज़ों की जरूरत हो जो उनको लिए नुकसान ना दे, उनको एक ऐसा नेचुरल सा ग्लो उनके फेस पर आता, उनको आप रिकमेंड भी कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना मुझे, एंड आप मुझे ऐसे मोटिवेट करते रहोगे तो मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूंगी। तो मैं प्रियंका मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।